बंद है बंद। खोल के खड़ जाओ, खोल के तमाम तारीफें रब्बुल जलाल जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है, जो तमाम अंबिया इकराम का अल्लाह है। अल्लाह की वादानियत हमेशा हमेशा से थी और हमेशा हमेशा रहेगी, और फिर इमाम अल अंबिया खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब इमाम अल अंबिया खातिमुन नबीन है और जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है, सब कुछ कुर्बान अल्लाह के महबूब और महबूब के आल पे। तो मेरे पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खान साहब की कॉल पे जुल्फी बखारी साहब, सरदार मोहम्मद अली साहब और अटक, और अटक के तमाम तहसील और फिर इस तरह कोहाट और हंगू के वो पाकिस्तानी जिनको पाकिस्तान की धरती से ऐसी लाजवाल मोहब्बत है कि इन सब की माओ ने, इन सब के बुज़ुर्गों ने, इन सब की औलादें भी हैं, इनकी ख्वाहिशात भी हैं, और फिर वो मेरी बहनें और बेटियां जो निकाह में और जिनकी जिनके शौहर यहाँ पे आए हुए हैं, उनका मकसद क्या है? क्या उनको आसाइश की ज़िंदगी नहीं पसंद? क्या वो नहीं जानती कि ये जाएंगे बलाओं से टकराएंगे और कुछ भी हो सकता है? लेकिन सलाम है पाकिस्तान की माओं को, सलाम है पाकिस्तान के बुज़ुर्गों को, सलाम है पाकिस्तान की बेटियों को, सलाम है पाकिस्तान के जवानों को कि उन्होंने अहद किया हुआ है। और अहद क्या किया है? कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी के कोई भी मेरे मुल्क के फैसले, कोई भी मेरी मस्जिद मदरसे इमाम बारगाह और खानकाह के फैसले, कोई भी मेरी माँ और मेरे बुजुर्ग और मेरे आने वाली नस्लों के फैसले प्यारे गैर में नहीं करेगा, अमेरिका यूरोप मेरे फैसले नहीं करेगा। और वो लोग जो यहाँ पे घुस बैठी हैं, जो अमेरिका के इशारों पे चलते हैं, वो मेरे मुल्क के फैसले नहीं करेंगे। मेरे मुल्क के फैसले पाकिस्तान की आवाम और हर घर और हर घर का बुजुर्ग और माँ करेगी। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त हमने मोटरवे पे इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट्स दोनों तरफ से चौक किए हैं। पहले तो मैं मुआज़रत करता हूँ, हम कभी भी वायलेंस पर यकीन नहीं रखते, हम कभी भी तोड़ फोड़ इंतजार पर यकीन नहीं करते। इस मुल्क का एक एक जर्रा हमें अपनी जान से प्यारा है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि हमें खान साहब की तरफ से ऑर्डर आए कि इनको और बुजुर्गों और बीमारों को नहीं रोकना, लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं मुआज़रत खा हूं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों सुने, क्या जरूरत थी इमाम अल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की नबूवत से पहले और बाद में क्या फर्क था? नबूवत के बाद वो मुआशरा जहां पे अमन होना चाहिए था, बज़ाहिर उस सिस्टम के खिलाफ, उस शिर्क का जो माहौल था, वहां पे जो
बेटियां पैदा होते साथ जिंदा दर गौर कर दी जाती थी, वहां पे बुनियादी हकूक नहीं थे, इंसान की इज्जत नहीं थी। हुक्मरान या बड़े से बड़ा सरदार फैसले करता था, लोगों को गुलाम बनाया था, जुल्म का बाजार गर्म था। तो मेरे पाकिस्तानियों, जुल्म को चैलेंज किया इमाम अलंबिया ने, खुलफा राशिदीन और असाबा कराम ने, फिर इसी तरह कूफे में क्यों गए आले बैत? क्या जरूरत थी? उसकी जरूरत यह थी कि दीन की जो इज्जत और नामूस मुझ पर और आप पर फर्ज है, उसको चैलेंज कर दिया गया था। इंसानियत खूब पामाल हो रहे थे, खतूत लिखे गए थे हजरत इमाम हुसैन को, और उन्होंने अपने और अपने खानदान, अपनी इज्जत नामूस के साथ सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जालिम के आगे डटे रहे, कीमत नहीं लगी, घर में नहीं बैठे रहे। तो मेरे पाकिस्तानियों, अमरीका और वो दजाली निजाम मेरे मुल्क को, हमने लाजवाल कुर्बानियां दी, 80,000 से ज्यादा शहीद दिए, लेकिन हमें डूम और कहा जाता है। हमने अपनी घरों को छोड़ा आईडीपीज की शक्ल में, हम दर बदर की टोकरे खाते रहे, हमारा किसी ने नहीं पूछा। हमारे बुजुर्ग मदरसे, मस्जिदों में, बाजारों में माए बहने बेटियां खुदकश बम्बारों का शिकार बने, हमारे लोटले हमारे जवानों और माओ बहनों बेटियों की के साथ जो जुल्म हुआ, अमेरिका चुप रहा। ड्रोन हमलों में कोलैटरल डैमेज मदरसों पे, मस्जिदों में, घरों में, बाजारों में मेरे पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया, लेकिन ये पीडीएम वाले चुप रहे। ये सरदारी मदारी और नवाज शरीफ, ये जो खैरों के इशारों, और ये फजल रहमान, ये जो खैरों के इशारों पे चल रहे हैं, ये उस वक्त भी चुप रहे। ड्रोन की आवाज खिलाफ भी आवाज मेरे लीडर ने उठाई, और कराची में पठान, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, बलोची कड़ाइयों में डाला गया, लकड़ियों के तालों में चलाया गया, टॉर्चर सेल में क्या क्या हुआ, जाओ बलोचिस्तान में क्या हुआ, पीटीएम क्यों बनी? मेरे वजीरिस्तान, मेरे बाजवड़ मोमंत और अक्सई कुरम, जाओ पता करो, खामोश रहे, नहीं निकलना, चुप रहना है, आवाज नहीं उठानी। एक शख्स कराची में कहता था बंद कराची, तो कराची क्या पाकिस्तान बंद होता था? उसको इमरान खान ने चैलेंज किया अल्लाह के फजल से। मेरे पाकिस्तानियों, हमें लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी होगी। ये जो सियाचिन पे जवान खड़ा है, क्या इसकी बीवी नहीं है? क्या इसके माँ बाप नहीं है? क्या इसके बच्चे नहीं है? क्या इसके ख्वाहिशात नहीं है? वो अपने आप को क्यों कुर्बान करता है? मेरे पाकिस्तानियों, एयरफोर्स, वो पायलट, जेट पायलट जो इस वक्त यूनिफॉर्म में बावजू हैं, वो क्या ख्वाहिशात नहीं रखते? एक कॉल पे अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। ये कुर्बानी का वक्त है। हम एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन, हम इनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ होगी हमें पता है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, तकलीफ के बाद ही आरसाइश आती है। मेरे पाकिस्तानियों, जाओ पता करो, आपको और मेरी माँ को और मेरी माओ को क्या कहा जाता है अमेरिका की अदालत में? नवाज शरीफ ने अमल खांसी दिया तो अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा कि ये वो काम है जो पैसे के लिए माँ बेचती है, और हम चुप रहे। जाओ पता करो डॉक्टर राफिया का, जाओ पता करो इस मुल्क के अंदर कि वो पाकिस्तानी जो गुआंटनामो बे भेजे गए, इस मुल्क के अंदर खैरों के इशारों पे जो मेरे मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। इमरान खान एक बात करता है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो क्या है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान तेरे जान निसार, देश मार, देश मार। इमरान तेरे जान निसार, देश मार, देश मार। इमरान तेरा एक इशारा, हाले हाले लहू। मेरे पाकिस्तानियों, बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त
70 साल का एक पाकिस्तानी, गोलियां लगी हुई, हिम्मत नहीं आ रहा, नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसको अल्लाह ने नवाजा है और उसको पता है कि मैंने अल्लाह के दरबार में पेश होना है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि कौम की माएं बहनें बेटियां उनके हवाले से दुश्मन हमें क्या कहता है। कश्मीर में जब किसी मुसलमान की बेटी मेरी और आपकी बेटी के साथ बिल जबर जरा करते हैं तो उसे कहा जाता है किधर है तुम्हारा अल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, ये काम सिर्फ इमरान खान का नहीं है। अगर पाकिस्तान बनने के लिए लोगों ने हिंदुस्तान में बसे बसाए घर छोड़े, अगर मेरे आईडीपीज ने अपने बसे बसाए घर छोड़े और आप कमरों में बैठे फेसबुक पे खेल रहे हैं, अगर आप अपनी आसाइशों का सोच रहे हैं, तो फिर याद रखें हाथ मलते रह जाओगे। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, मेरे कफन पे लिख लो आजादी, मेरे कफन पे लिख लो आजादी। इलेक्शन आवाम वोट देते हैं अपने आवामी नुमाइंदों को, फैसले डीसी करता है, फैसले कमिश्नर करता है, फैसले ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और यूनिफॉर्म पहन के डंडे के साथ ब्लडी सिविलियंस कहा जाता है। फौज हमारी है, फौज मेरी इज्जत है, मेरा मान है, मेरा गरूर है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान में अगर कोई जर्नल अपने आप को अकल कुल समझता है तो उसके लिए मैसेज यह है कि इमाम अल-अंबिया खातिम नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबियाए कराम, खुल्फाए राशिदीन, असहाबे कराम, आले बैत भी कानून से बालतर नहीं थे, आप भी कानून से बालतर नहीं हो। इस मुल्क के अवाम की नबज समझो, किस किस को डराया जाएगा। डर और खौफ के बुत तोड़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आने वाली नस्लों को ऐसा पाकिस्तान देना है जहां पे रेड़ी लगाने वाला और जर्नल और डॉक्टर और जज और ब्यूरोक्रेट और सियासतदान एक बराबर हो। जब हमारी कब्रें एक जैसी हैं, हुक्मरानों की कब्र जाओ देखो और आम रेड़ी वाली की कब्र देखो। मेरे पाकिस्तानियों और कौम के जवानों और बेटियों और बहनों, ये वक्त है कलमा हक का, जालिम के लिए आगे खड़े होने का। इस वक्त में हमने लाजवाल कुर्बानी देनी है, हमने एक ऐसी मिसाल बनना है कि लोग आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान और ये जो निकले हुए और पाकिस्तानी कौम की मिसालें दें। मेरे पाकिस्तानियों, हेलो लोग, हमें कोई बर्गर फैमिली, कोई मम्मी डैडी, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, अल्ताफ हुसैन के लिए खान निकला था। मेरे पाकिस्तानियों, वो शख्स जो कौम के सौदे करता था सरदारी और नवाज शरीफ खान निकला, वो शख्स जो मस्जिद और मेंबर और दीन का ठेकेदार बना था उसके खिलाफ भी इमरान खान निकला, और उसका ये सिपाही जो मेरा फखर है, मेरा गरूर है, ये सिपाही जुल्फी बुखारी भाई, ये खान का वो सिपाही है जो के तमाम ख्वाहिशात, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के आम शरीयत वर्करों के साथ खड़े होके कि मेरा वर्कर निकलेगा तो मैं भी निकलूंगा। और मैं हल्फन ये कहता हूं, इसने जो वक्त गुजारा, जिस तरह इसने लीड किया, तो मैं आज आप पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाह रहा हूं कि खान के बाद मैं भी इसका सिपाही हूं, इसलिए कि ये हक और सच का दाई है, ये सालिम के आगे सर नहीं चुकाता, ये डरता नहीं है, ये गैरतमंद। ऐसी मिसाल बनाना है, ऐसी कुर्बानी देनी है पुरमन एहतजाज के जरिए कि ये घुस बैठिए अंदर ही अंदर तो डूबे हुए, अल्लाह इनको ऐसे डुबोए कि इनका नाम उन्हें निशान खत्म हो जाए। अमेरिका भी सुन
ले आजादी है हक हमारा आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी है हक हमारा आजादी अब्बास भी सुन ले आजादी शहबाज भी सुन ले आजादी मरियम भी सुन ले आजादी मेरे कफन पे लिख लो आजादी है हक हमारा आजादी। आखिर में सलाम है पीटीआई की यूथ को, आईएसएफ को, लेबर विंग, यूथ विंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज काउंसिल की तमाम टीमों और तंजीमों को सलाम है। अटक के गैरतमंद शहीदों और गाजियों का शहर, गैरतमंद बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों और बेटों और जवानों को, और सलाम है धरती माँ पाकिस्तान और पाकिस्तान का बेड़ा बड़ा बेटा पंजाब, और पाकिस्तान का फखर है पंजाब, और पाकिस्तान की खैरत है खैबर पख्तूनख्वा। सलाम है मेरे पश्तून भाइयों को कि उन्होंने कलमाए हक के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। सलाम है मेरे सिंध को जो कि हमारा एक ऐसी पहचान है जिसको तारीख हमेशा हमेशा याद रखेगी। बलोचिस्तान मेरी बुनियाद है, गिलगित बल्तिस्तान मेरा फखर है, और कश्मीर मेरी पहचान है। ये पाकिस्तान का जो गुलदस्ता है इसको अल्लाह ने नेमत दी है, और इसको इमरान खान और पाकिस्तानी कौम ने ऐसी कौम बनाना है जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करेंगी। इस धरने के लिए हमारे लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह मेरा तो ईमान और यकीन है कि आज रात इनके हौसले पस्त हो के ये ऐसे ऐसे भागेंगे कि इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इंसानियत, पाकिस्तान, इमरान खान के ये जाले सब जिंदाबाद और पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।